हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्ट बालाजी और जी फाइव पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है फितरत। जब ये वेब सीरीज शुरू होती तो आप लोग सोच ही नहीं सकते कि ये अल्ट बालाजी की वेब सीरीज, क्योंकि इसमें कोई भी एडल्ट सीन्स हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, दो किसिंग सीन्स देखने को मिले, लेकिन ऐसे किसिंग सीन्स आपने बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार देख चुके। तो आज हम लोग उस टॉपिक पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम लोग ये बात करेंगे ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए नहीं चाहिए। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे। और हाँ, अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इस वेब सीरीज में हमें नजर आती है क्रिस्टल डिसूजा, जिसको आप लोगों ने इंडियन टेलीविजन में काफी देख चुके हैं और वो एक पॉपुलर फेस है। उसके अलावा इसमें अमृता रंजन और आदित्य सील हमें नजर आते हैं। और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया संतोष सिंह ने। इस वेब सीरीज में अभी तकरीबन सिर्फ 14 एपिसोड्स आए, क्योंकि इसके सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें और एपिसोड्स आना बाकी है। ये वेब सीरीज अभी कंप्लीट नहीं है और हर एपिसोड्स की लेंथ की बात करो तो लगभग 25 मिनट से 16 मिनट के बीच में ही है। कहानी शुरू होती है क्रिस्टल डिसूजा से, जो कि इस वेब सीरीज में रोल प्ले कर रही है तरीना बीच का। जब वो 10 साल की होती है तभी उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो कहानी आगे बढ़ती है, तरीना बीच अपने फादर के साथ मसूरी सेटल होती है। मसूरी सेटल होने के बाद वो एक नए स्कूल में जाती है। नए स्कूल में जाने के बाद उसकी एक नई दोस्त बनती है जिसका नाम होता है अमृता सरीन। अमृता सरीन एक पैसे वाली होती है, वो दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती है लेकिन पढ़ाई के लिए मसूरी आती है। तो दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होती है, इतनी हद तक दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी होती है कि अमृता सरीन पूरा का पूरा खर्चा उठाती है तरीना का स्कूल लाइफ का। और यहाँ से उसकी दोनों की दोस्ती की जो जर्नी वो शुरू होती है, लेकिन फाइनली जब जर्नी खत्म होती है जब उनके स्कूल का आखिरी दिन आता है, लेकिन तरीना सरीन से वादा करती है कि वो बड़ी होकर दिल्ली जरूर रहेगी, क्योंकि उसका एक सपना होता है कि वो बड़ी होकर किसी पैसे वाले से शादी करेगी, जो कि दिल्ली जाने के बाद ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन उससे पहले उसको उसके फादर का सपना यानी कि एक जर्नलिस्ट बनने का सपना पूरा करना है। वो गाँव में रहकर जर्नलिस्ट की पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है वो पहली फुर्सत में, यहाँ पे मुझे हिंदुस्तानी भाव का डायलॉग आ रहा है, पहली फुर्सत में निकल, तो पहली फुर्सत वो निकलती है दिल्ली की। और दिल्ली जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी फ्रेंड सरीना अभी फिलहाल दिल्ली में है नहीं, वो कहीं बाहर गई है। तो इसी वजह से वो 10 दिन तक वहीं पे रहती है। इसी बीच वो जॉब करते है, जॉब करने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से उसको जेल में भी एक रात बितानी पड़ती है। और वो सोच लेती कि आपको किसी भी तरीके से गांव वापस चली जाएगी, लेकिन फाइनली उसकी फ्रेंड का उसको कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो वहीं रुकती है, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। फिर ये वेब सीरीज कोई भी एंगल से मुझे पर्सनली फील हुई नहीं कि वो अल्ट बालाजी की वेब सीरीज, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है गोल्ड डिगर का वो बहुत अच्छा है। गोल्ड डिगर के बारे में मैंने इससे पहले सिर्फ प्रैंक्स देखे थे कि एक लड़की होती जो पैसे वाले लड़कों के पीछे फिदा होती है, वो ही सब देखा था। लेकिन पहली बार कोई वेब सीरीज देख रहा, वो भी अच्छी वेब सीरीज देख रहा, क्योंकि इसमें एडल्ट सीन्स इतने नहीं है, सिर्फ एक दो किसिंग सीन्स है, वो तो आप लोग बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हो तो कुछ ऐसी नई बात है नहीं। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी है बहुत अच्छी है। स्टार्ट में होती है एक गोल्ड डिगर की तरफ जाती है, लेकिन आगे आगे एक रिवेंज ड्रामा बन जाती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, इसमें जो नेगेटिव बात वो है कि इसमें 14 एपिसोड्स आने के बावजूद भी ये वेब सीरीज अभी तक खत्म हुई नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये, क्योंकि 14 एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ 10 एपिसोड होते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। बीच के जो 4 एपिसोड है बेमतलब के, सिर्फ कहानी को खींचा गया और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये वॉचेबल वेब सीरीज। और अल्ट बालाजी के प्रीवियस रिकॉर्ड देखे तो ये वेब सीरीज सच में बहुत अच्छी है, और इसमें जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, स्पेशली क्रिस्टल डिसूजा का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है और आदित्य सील का, क्योंकि अमृता सरीन का जो कैरेक्टर निभा रही है उसका कुछ खास काम है नहीं, मोस्टली काम यहाँ पे क्रिस्टल डिसूजा का है, जो की छा गई है पूरी वेब सीरीज में। और मैं उनका कोई सीरियल देखा नहीं था, लेकिन ये वेब सीरीज देखकर मैं इतना ही बोलूंगा कि इसी वजह से लोग उनको पसंद करते, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में जबरदस्त है और उनको टेलीविजन इंडस्ट्री में फिर से वापस आना ही चाहिए, क्योंकि ये वेब सीरीज में उन्होंने पूरा का पूरा फाड़ दिया, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक वही परफॉर्मेंस दे रही है और बहुत ही लाजवाब है। और आदित्य सिल का भी परफॉर्मेंस जितना भी है बहुत ही टेरिफिक एक्टर है, उनका मैंने स्टूडेंट तो यार तू में जो विलन का रोल था बहुत ही अच्छा लगा था, तो वहां से मैं उनकी पहली वो फिल्म थी जो मैंने उनकी देखी थी। लेकिन ये वेब सीरीज में उनका परफॉर्मेंस हाँ ठीक है, इतना भी ओवर द बोर्ड नहीं है, लेकिन जितना है अच्छा है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में भी संतोष सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। ये वेब सीरीज अपनी पकड़ बनाए रखती है, लेकिन इसमें 4 एपिसोड कम होते तो यार सोने पे सुहागा हो जाता। खैर, ये तो वेब सीरीज है तो इतना तो हम लोग को लिबर्टी देनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि ये वेब सीरीज अभी पूरी कंप्लीट है नहीं, ये सीजन 2 आता है या इसके कुछ और एपिसोड आने वाले दिन में हमें देखने को मिलेंगे वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर अगर आपको ये वेब सीरीज देखनी है तो आप इसे अल्ट बालाजी ऐप पर या जी फाइव पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ
कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि ये वेब सीरीज को फ्री में कहाँ देखें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखना और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल दैन।